दोस्तों, जब हम प्लांट्स लगाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, तो बहुत सारी मेहनत हमारी जुड़ी हुई होती है, सालों की मेहनत होती है पौधों के साथ। लेकिन जब हमें कहीं जाना पड़ जाए घर से बाहर, तो वो एक दो दिन में ही सारी ख़राब हो जाती है। और ऐसा कई बार मेरे साथ हो चुका है, अपने वीडियो से पहले देखा होगा, जब मैं घर आती थी मेरी पूरी बालकनी सूख जाती थी। इस बार ऐसा ना हो, इसलिए मैंने इस बार ड्रिप एरीगेशन का पूरा सिस्टम मंगवाया है। वो आज मैं सेट करूँगी और देखेंगे कि वो किस तरह से चलता है। दोस्तों देखिए, प्लांट्स भी बहुत महंगे आते हैं और बहुत सारी मेहनत जुड़ी हुई होती है, तो थोड़ा सा खर्चा इस चीज़ पर करना पड़ेगा। मैंने अब तक बहुत कोशिश की कि ना लूँ, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ है। मुझे अभी कुछ दो तीन दिनों के लिए बाहर भी जाना है, तो ये बहुत काम आएगा। सारी मेहनत एक दो दिन में ख़राब हो जाएगी, धूप इतनी तेज़ होती है। तो ये सिस्टम मैंने किस तरह से लगाया, कितने का मंगवाया, क्या क्या चीज़ें मैंने करी हैं, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और इसका जो एक्सपीरियंस मैं 3-4 दिन बाद आपको बता रही हूं, और धीरे धीरे आगे बताती रहूंगी कि कैसा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ड्रिप वाला सिस्टम लगा देंगे और इसको गमले में रोक देंगे। तो पूरे में मैंने देखिए लगा दी है, बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ, क्योंकि कई घंटे, 3-4 4-5 घंटे लगे मुझे इस पूरे को तैयार करने में। और ये जितने भी प्लांट्स हैं हर एक में लग गई है, यानी कि 100 के आसपास ही प्लांट होंगे, थोड़ा बहुत ही पाइप बचा है, बाकी सारा इसमें लग गया है। अभी देखिए, जितने भी ऊपर थे उनमें भी लगा दिया, जितने भी नीचे थे सभी में लग चुका है, तो अभी टेंशन इतनी नहीं रहेगी मुझे अगर मैं कहीं जाती हूँ तो। तो देखिए, ये जो सिस्टम ऑटोमेटिक जो मैंने ये अलग से मंगवाया है, इसके लिए ये वाली टंकी यहाँ पर मैंने सेट करवाई है, जिसमें अगर मुझे खुद पानी देना है या फिर पानी लेना है कभी, तो आराम से मैं ले सकती हूँ। ये अलग से चलेगी और दूसरी जगह वो फिट हो गई है, जो मैंने ये ड्रिप वाली जो ऑटोमेटिक जो सिस्टम ये मंगवाया है, तो वो उसको हम ऑन ही रख सकते हैं, उसमें टाइम भर जाएगा और वो टाइम पर ही चलेगी। अभी मैं आपको इसको चला के दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर हम पाइप वगैरह लगा के जब भी चाहें पौधों को दे सकते हैं, तो इसलिए डबल मैंने सिस्टम यहाँ पर करवा दिया है। तो ये बहुत ही बढ़िया हो गया है अभी। तो सबसे पहले इसको ऑन कर लेंगे, और ऑन करने के बाद इसको हम चाहें तो मैन्युअली भी चला सकते हैं, या फिर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसके अंदर हम सारा टाइम वगैरह भर के जाएंगे, कितने बजे हमारा पानी चलेगा, कितने मिनट चलेगा,
और अगला पानी हमें कब देना है, शाम को या कितने घंटे बाद, ये सब कुछ इसमें भर देंगे और बस ओके कर देंगे और अपने आप ही ऑटोमेटिक ये पानी बंद हो जाएगा, अपने आप ही चलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर बाहर जा रहे हैं इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया चल रहा है, मैंने इसको कई बार बिल्कुल अच्छे से चेक कर लिया है। अगर हम 10 मिनट भरते हैं, 10 मिनट आराम से चलता है, उसके बाद अपने आप ही बंद हो जाता है। देखिए कितने अच्छे से बूंद बूंद पानी आ रहा है, और इस तरह से जो पानी हम पौधों में जब डालते हैं बूंद बूंद, लगता है कि बहुत देर में पानी हमारा मतलब पौधों में जाएगा, लेकिन जब मैंने देखा कि 10 मिनट में मेरे सारे पौधों में पानी आ गया था और पूरे अच्छे से नमी पूरे में हो गई थी, निकलने लगा था पानी। तो यानी कि 10-15 मिनट ही बस हमें चलाना है, इतने में हमारा काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत ही नहीं रहती है। बहुत सारा पानी तो हम वैसे ही वेस्ट करते हैं जब हम पानी ऐसे देते हैं, तो इससे पानी की भी बचत है एक तरह से। लेकिन जब बाहर जाते हैं तो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है, हमारे पौधे मरेंगे नहीं, नमी बनी रहेगी और हरे भरे मिलेंगे हमें बिल्कुल खुश होते हुए। तो ये थोड़ा सा मैंने इस बार काम किया है, क्योंकि कई बार मेरे साथ ये हो चुका है कि जब मैं घर से बाहर जाती हूँ, कहीं जाना पड़ता है, मजबूरी में भी पड़ता है, वैसे भी चले जाते हैं, तो मेरे पौधे बहुत बार ख़राब हो चुके हैं। तो उनको बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।